बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जो अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है इजी शाही ज़र्दा, जिसके लिए मैंने 2 कप चावलों को मैंने धोकर उसको भिगो दिए थे। और आप चाहे तो सेला चावल यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो बासमती, मैं बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। और 2 कप चावलों के लिए मैंने 1 कप और 1/4 कप शुगर लिया हुआ है। वैसे 1 कप चावलों में 1 कप चीनी डालते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मैं ये पेठा है, ये एक स्वीट होती है, मैं ये यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैं शुगर इक्वल नहीं डालूँगी। ठीक है, मैंने 1 कप और 1/4 कप शुगर लिया है। और ये कोकोनट है जो कि ड्राई नहीं है बिल्कुल, ये यहाँ पैकेट में मिलते हैं फ्रोज़न, मैं ये यूज़ करूँगी। ये तकरीबन 1/2 कप है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि मैंने चॉप किए हुए, लेकिन इसको मैं फ्राई करूँगी। और ये किशमिश है और क्रैनबेरी है। आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो आप यूज़ करें, और जितना आपको पसंद हो आप इतना यूज़ करें। और ये कुछ पीकेंस और ये कुछ बादाम मैंने साबुत रखे हुए जो कि मैं ऊपर से डालूंगी। अच्छा, मैंने पानी बॉईल पे रखा हुआ है, चावलों को बॉईल करूंगी मैं, यानी कि 75% चावल बॉईल हो जाएंगे इसमें, और जो बचेंगे 25% वो हम जब शुगर डालेंगे, जब चावल खुद ही डन हो जाएंगे। ठीक है, मैंने पानी में 1/2 टीस्पून से भी कम जर्दे का रंग और 1 चुटकी उसमें रेड कलर डाला है ताकि थोड़ा कलर अच्छा डार्क सा आएगा। और उसमें ये 2-3 हरी इलायची छोटी वाली और 1-2 छोटे पीस दालचीनी के मैंने डाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो ये मैंने ये चॉप किए हुए ये डाल देते हैं। और इसी में मैंने थोड़े से किशमिश और क्रैनबेरी भी डाल देते हैं, और बाकी क्रैनबेरी और किशमिश डाल देते हैं। ये हम 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक इसको इसी तरह फ्राई करेंगे। फिर हम इसको निकाल के वापस 3-4 टेबल स्पून घी डालेंगे इसमें, और फिर चावलों को डालेंगे। अच्छा, देखें, वापस से हमने इसमें घी डाल के इसमें 3-4 दाने मैंने ये इलायची के डाले, ग्रीन इलायची। और अब मैं इसमें ये चावलों को डालूंगी। चावलों को डालकर हम इसको बिल्कुल हल्के हाथ से पहले मिक्स कर लेंगे। और ये मैं इलायचियों को भी निकाल लूंगी क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ज़रा। अच्छा, हम इसमें पहले शुगर डाल देते हैं।
डाल के चूल्हे को हम थोड़े से मीडियम टू लो कर देते हैं और 5 मिनट तक इसी तरह इसको रहने देते हैं। अच्छा देखिए 5 मिनट हो गए, अब हम चेक करते हैं। ये 2 अदद इलायची और नजर आ गई मुझे, मैं इसको निकाल दूंगी। अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो मैंने कहा था, ये स्वीट्स जो हैं, ये वाले ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद फिर हम डालेंगे कोकोनट। इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे। और फिर अच्छा देखिए हमने इसमें कोकोनट वगैरह सब कुछ मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कवर करके दम पे रखेंगे। अगर आपके पास तवा है तो आप तवा नीचे रख के और इसको इस तरह से, लेकिन मैंने फ्राई पैन पे रखा हुआ है, और इसको हम तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसी तरह दम पे रखेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ 10 से 12 मिनट बाद। अच्छा देखिए ये 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें शाही जर्दा रेडी है। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग ट्राई ज़रूर करेंगे। और अगर आप लोगों के पास गुलाब जामुन रखे हो छोटे वाले, तो वो भी इसमें डाल दीजिएगा, तो इससे ज़्यादा और भी मज़ेदार और देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।